सभी भाइयों को नमस्कार। मेरी तरफ से मैं बिसंदर टिप्स ओनली विन से। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम, यार बैंगलोर डर्बी है संडे और हम बात करेंगे सैटरडे की रेसे, बैंगलोर डर्बी वीकेंड रेसेस की। और 16 तारीख की रेसे हैं यार, 9 रेस है। 1:30 बजे पहली रेस स्टार्ट है, 5:30 बजे आखिरी रेस है। पहली रेस में आ जाते हैं यार टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में, हम घोड़े लेके चलेंगे। घोड़े सारे के सारे ही सुपीरियर घोड़े, हर ट्रेनर ने मेरे ख्याल से अपने हिसाब से जो भी उनके बेस्ट हॉर्सेज हैं वो सारे फील्ड में डाल दिए हैं। और जो भी घोड़ा जीतेगा उम्मीद करते हैं कि वो घोड़ा आगे भी अपनी परफॉर्मेंस, मतलब जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी वो मेंटेन करके चले, क्योंकि सभी सुपीरियर घोड़े डले हुए हैं हर फील्ड में। तो पहली रेस में हम आ जाते हैं यार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9, 12 सभी घोड़े बहुत अच्छे हैं। तो ओड देख लो यार एक बारी आप लोग, ओड आपके आगे ये रहे यार। उसके बाद जो हमारा इसमें फाइनल पिक लेके चलेंगे हम, डिवाइन रे अक्षय कुमार के नीचे, 2 किनो की पेनल्टी है घोड़े पे और बहुत बढ़िया घोड़ा है। मेरे ख्याल से घोड़े को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जीना चाहिए घोड़ा। लास्ट टाइम ओलिवर से क्या हुआ, क्या इशू पता नहीं, इन्हें ब्रिज के साथ सेकंड लग गया, उस दिन भी घोड़ा जीतना चाहिए था, बट जो भी है। तो दूसरा घोड़ा हम इसमें पिक लेके चलेंगे यार, फराज अरशद जी का, 8 नंबर बेलवेडर। अक्षय कुमार कंटिन्यू रन दे रहा था, आज सी एच जोधा बैठा दिया, तो मे बी ये घोड़ा एक बहुत बढ़िया रन दे। तो जो फाइनल हमारी रेस रहेगी, 1 नंबर डिवाइन रे और 8 नंबर बेलवेडर। सेकेंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1800 मीटर की रेस है क्लास 4 की। 4 घोड़े हम पिक करके चलेंगे इसमें, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, और ये आपके आगे ओड है यार। और इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों, स्टार कॉमेट बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, 1600 में जिस तरीके से जीता, उसके फिलॉसफी के साथ घोड़ा भागा और अब क्लास 4 भगा रहे हैं 1800 मीटर में, तो मेरे ख्याल से जीतना चाहिए घोड़ा दोबारा से। और 6 नंबर स्वांकर, दोनों रन 1800 मीटर के ही है, अक्षय से वाई एस सिन्हा बैठा दिया है, तो मे बी एक अच्छा रन दे यार, वेट का बहुत बढ़िया एडवांटेज है घोड़े को। थर्ड रेस में आ जाते हैं यार, मेड इन रेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रेस लग रही है मुझे, तो इसमें ओड आपके आगे ये रहे यार इस रेस में। और इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा 10 नंबर मोंटेलेना पी एस चौहान और 6 नंबर कैप्रियाटी पी ट्रेवर। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, चौथी रेस में जो मैं घोड़े पिक लेके चल रहा हूँ वो नंबर लेके चल रहा हूँ, 1 नंबर, 3 नंबर, 1200 मीटर के 2 रन है भवानी सिंह के ऑलरेडी, तो 1400 मीटर की रेस है, मे बी इस बारी घोड़ा जीते। और लॉर्ड फ्रैंकल बहुत बढ़िया घोड़ा है और जॉकी भी बहुत बढ़िया बैठा है, 4 किलो का लाउंस लेके सलमान खान बहुत बढ़िया घोड़ों को मैनेज करके चल रहा है, राइड भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही घोड़े बढ़िया हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ओड आपके आगे ये रहे यार। और इसमें जो हमारा फाइनल पिक मैं लेके चलूंगा यार, 3 नंबर लॉर्ड वेडर और 5 नंबर फॉसेटी, बहुत बढ़िया रन था लास्ट टाइम 5 नंबर का पी ट्रैवर के नीचे 1200 मीटर में, तो मैं भी दोबारा ये घोड़ा जीते 1400। अब आ जाते हैं दोस्तों पांचवी रेस में, पांचवी रेस है यार 1200 मीटर क्लास 2 की रेस है। और इसमें जो घोड़े टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में लेके चलूंगा मैं, वॉच माई स्टार लिखित अप्पू बैठा दिया, अपसेट घोड़ा है यार, लास्ट टाइम 1400 मीटर में घोड़ा भागा था और पीछे चला है घोड़ा, इस बारी फ्रंट निकल के अपसेट कर सकता है घोड़ा, अगर आप देखोगे तो ऊपर फ्रंट निकल के घोड़ा मतलब कर सकता है रन देके, तो 1 नंबर को अपसेट कंसीडर करके चलेंगे, 2 नंबर लक्की चांस, बहुत बढ़िया घोड़ा जीता था लास्ट टाइम संदेश के नीचे, बट वेट 8 किलो की पेनल्टी घोड़े पे डली है। प्राइड एंजल लास्ट टाइम मिरेकल के साथ सेकंड लगा था हेड से, 52 से 58 चला गया ये भी संदेश के नीचे, बहुत बढ़िया रन था लास्ट टाइम। और स्टार ग्लोरी सूरज नायडू ने जिताया लास्ट टाइम 2.5 लेंथ, और बहुत बढ़िया रन था यार। और
सात नंबर और आठ नंबर सेम फील्ड में भागे हुए हैं, आठ नंबर ने बीट किया हुआ है सात नंबर को, केंसिंगटन कोड ने मारा हुआ है, तो इस रेस में ओड आपके आगे ही रहे हैं। आप ओड देखते रहिए, और ओड देखते देखते मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ यार, टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड कंसिडर इस बारी थोड़ा सा और आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि दो दिन की जो रेसें हैं मतलब एक तरीके से बड़ी रेसें हैं, हर ऑनर के लिए भी वो रहता है और ट्रेनर के लिए भी रहता है, जॉकी के लिए भी रहता है, हर कोई अपना बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है दो दिन में, तो इसलिए टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड भी देख के चलें, और जहाँ पे आपकी जो भी आपकी फैंसी मैच होती है तो उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा या कम करके जो आपको खेलना हो वो खेलें आप। तो इसमें यार जो मेरा फाइनल पिक लेके चलूंगा मैं स्टार ग्लोरी, सूरज से सूरज जी रिपीट हो रहा है जॉकी, और बहुत बढ़िया रन दिया था एक घोड़े ने, तो 1200 मीटर की रेस है, क्लास थ्री से क्लास टू जा रहा है, तो स्टार ग्लोरी फाइनल पिक, और वर्सेस मैं लेके चलूंगा आठ नंबर केंसिंगटन कोट, पी ड्राइवर से पी ड्राइवर, इसका भी बहुत बढ़िया रन था, दोनों 1200 जीते हुए, तो ये फाइनल पिक रहेगा मेरा। छठी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, मेमोरियल कप है यार आर बैराम जी का, तो एक नंबर मिस्टर पैसी जी का बेस्ट घोड़ा, ऊपर के तीन रन अगर आप देखोगे 1600 में इंसिडेंट हुआ है घोड़े के साथ, कुछ सूज वगैरह का इशू रहा है, और घोड़ा पोजीशन भी बहुत लास्ट लेके बैठा हुआ था, और ऊपर के अगर आप घोड़ों की पोजीशन देखोगे तो ठीक ठाक थी, तो एक नंबर मैं लेके चलूंगा इसमें, और तीन नंबर फॉर्चुनेटस, लास्ट टाइम संदेश ने जीता है घोड़ा और बहुत बढ़िया जिताया था, उन्हें चार लेंथों से घोड़ा जीता है, और पांच नंबर क्राउन कंसर्ट बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, जो पहला रन था 1100 में जीता है, बहुत बढ़िया जीता है, उसके बाद फिलॉसफी के साथ इतनी क्लोज फिनिशिंग दे के गया है घोड़ा, तो मे बी इस बारी 200 मीटर शॉर्ट जाना है तो जीते घोड़ा, और छः नंबर ओड देख लेते हैं, ओड में हम छः नंबर की बात करेंगे, ओड में मैंने छः के छः घोड़े लिए हैं यार, क्योंकि हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, दो नंबर अगर फॉर्चुनेटस सन, हर बारी लग रहा था घोड़ा आज ब्लैंकर ऑफ कर दिए हैं घोड़े के, फॉर्चुनेटस गुड ऑन हुआ है घोड़े में, इक्विपमेंट में टफ कुकीज CNB ऑन किए हैं, और ये छः नंबर पाँच नंबर और ये एक नंबर फेथ क्राउन कंसर्ट और टफ कुकीज, ये तीनों एक ही फील्ड में भागे हुए घोड़े हैं, तो इसलिए छः नंबर को भी मैं आउट में लेके चलूंगा। फाइनल जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों इसमें एक नंबर फेथ PS चौहान और पांच नंबर क्राउन कंसर्ट सूरज नायडू। सातवीं रेस में आ जाते हैं यार, सातवीं रेस में मैंने तीन ही घोड़े पिक किए हैं, एक नंबर लॉर्ड बर्नन और KSI किरण के नीचे, तीन नंबर मित्सुरो, लास्ट टाइम बहुत लगा था चौथा लगा घोड़ा, और ट्रेवर बैठा दिया बेस्ट जॉकी, तो होप एक अच्छा रन दे, और 10 नंबर मार्क वन, दो रन फेवरेट में पिटा हुआ घोड़ा है, और आज वेट का बहुत एडवांटेज है, विवेक जी बैठ गया है तो मे भी एक बेस्ट रन दे अपना। ओड इस रेस में ये रहे यार दोस्तों, यार एक नंबर पे ना मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई जैसे वेट इतना ऊपर चला गया है घोड़े का, 61.5 किलो कर दिया लास्ट टाइम, 53 किलो में जीता था, 8.5 किलो की पेनल्टी है घोड़े पे, तो मे बी अंगद बैठाया होता, क्योंकि लास्ट टाइम अंगद ने जीता है 5.25 लेंथों से, तो मे बी 3 किलो का अलाउंस मिल सकता था, या तो अब भाव के चक्कर में अंगद को नहीं बैठाया गया है यार, क्या है क्या नहीं है यार, तो मे बी अंगद ज़्यादा बेटर रहता, सेम जॉकी रिपीट होता, KSI किरण बैठाए, देखते हैं हो पाई एक अच्छा रन दे, लास्ट टाइम तो बहुत बढ़िया जीता था, ओड आपने देख ही लिए हैं यार, और इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहेगा तीन नंबर मित्सुरो पी ट्रेवर और एक नंबर लॉर्ड बर्नन KSI किरण के नीचे यार। आठवीं रेस में आ जाते हैं दोस्तों, आठवीं रेस में यार क्लास फाइव की रेस है, 1400 मीटर की रेस है, इको फ्रेंडली YS सेनाथ शरद कुमार जी के घोड़े पे, वेट का बहुत बढ़िया एडवांटेज रहता है सेनाथ को, मैंने जैसा पहले भी बताया कि जो भी टॉप हॉर्सेस मतलब टॉप वेट में घोड़े भागते हैं वहाँ पे भाई ये सेनाथ और एक दो जॉकी और हैं जो देखने को मिलते हैं, तो 62.5 किलो में जा रहा है, तो सेनाथ में भी एक बहुत बढ़िया रन दे इस घोड़े पे और घोड़ा जीते, और तीन नंबर स्पीड सेवन
लास्ट टाइम बैटिंग भी बहुत ही घोड़े पे, और घोड़ा गेट से भी बहुत स्लो निकला, और उसके बाद भी बहुत अच्छा पिक किया लिखित अप्पू ने और बहुत बढ़िया रन दिया घोड़े ने। आज 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, मे बी प्रिपेयर है घोड़ा और जीतना चाहिए यार। बहुत एज पर लास्ट रन बहुत बढ़िया रन था घोड़े का। 4 नंबर भी जॉन अपसाइड लेके चलेंगे। 9 नंबर भी लास्ट टाइम बहुत बैटिंग हुई घोड़े पे, बट अनफॉर्चुनेटली अरशद आलम के नीचे घोड़ा अल्टेयर के आगे चौथा ही निकला, क्योंकि ये भी स्लो निकला था। तो इसमें यार ओड आपके आगे ये रहे यार। इसमें 7 नंबर है टर्कोमैन, मैं लेके नहीं चल रहा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा कि भाई संदेश को हटा के निखिल नायडू बैठा दिया है। संदेश रिपीट कर सकते थे। अब यार ये ना मेरे ओपिनियन है, अब किसी को समझ आए ना है, बट ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो इसमें मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों इको फ्रेंडली, 1 नंबर YS श्रीनाथ के नीचे, और 3 नंबर स्पीड 7 लिखित अप्पू। 9वीं रेस में आ जाते हैं दोस्तों, स्ट्राइकिंग मेमोरी टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड हैं। 3 नंबर ऑसरीज, 5 नंबर लिविड एडिसन, 7 नंबर टर्ना अंसाल्डो। 2 बारी पंटरों ने अंसाल्डो को जो भी है बैट करी या खेले हैं उसे, बट रन भी बहुत ही मतलब निराशाजनक रहा यार, कि बोर्ड में नहीं रहा घोड़ा। मेरे को तो बहुत ही वो लगा कि भाई सरप्राइज था मैं, कि दोनों रेसों में 1200 मीटर में घोड़ा नहीं लग पाया बोर्ड पे। बट उम्मीद करते हैं आप 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, और YS श्रीनाथ के हाथ में सैडल है, और मेरे ख्याल से आधा किलो ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि 56 किलो के तो चीकू भाई खुद हैं हमारे, तो 56.5 किलो का वेट है घोड़े पे। और अंसाल्डो इस बारी मेरे ख्याल से एक बहुत सुपीरियर रन दे, तो ओड आपके आगे ये रहे यार। इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों, स्ट्राइकिंग मेमोरी लास्ट टाइम बहुत बढ़िया रन था घोड़े का, और अंसाल्डो YS श्रीनाथ 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट यार। और बाकी डर्बी की वीडियो यार जो रहेगी अपनी थोड़ी सी लेट अपलोड होगी, 8 या 9 भी बज सकते हैं, तो जब तक टच में रहिएगा। और एक और चीज़ यार, कुछ लोगों ने ना सब्सक्राइब वीडियो हर बारी मतलब कहीं से फेसबुक से या लिंक को ही देख के वो वीडियो में आते हैं, तो दोस्तों कोशिश करो कि यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े दोबारा वीडियो। सब्सक्राइब कर लो एक बारी, और खुद ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, थोड़ा सा मेरे लिए भी आसानी होगी, ताकि मैं बार बार ही हर जगह वहां ना भेजूँ, जहां मुझे कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां मुझे नहीं भेजना चाहता मैं वीडियो, बट फिर भी मुझे भेजना होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो प्रॉपर यूट्यूब पे ही मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट यार, मिलते हैं डर्बी पे। ओके यार।